चुनाव से लेकर पुराना अगर इतिहास देखा जाए तो आपने अपने दो कार्यक्रम में ऐसा कौन सा कार्यक्रम की पैरेंट्स की तरह लगने का लगभग क्रिकेट ना तो मैंने कभी कहा कि मैं पेरेंट्स बनाऊंगा और ना मैं आगे भी मेरी भी पेरेंट्स यहाँ बनाने की मैं पंचकूला को पंचकूला बनाना चाहता हूँ स्वच्छ सुंदर और हरा भरा पंचकूला लिवेबल पंचकूला जहाँ पंचकूला के अंदर रहने वाले लोगों को वो सारी फैसिलिटीज मिले वो सारी चीजें मिले जो एक आम इंसान की जरूरत है एक आम नागरिक की जरूरत है और उसके ऊपर मैंने पिछले 10 साल के जो विकास के काम किए मैंने ये बुकलेट जारी की और उसके अंदर वो काम दिए वो जनता के लिए चाहे वो बिजली को लेकर के 24 घंटे बिजली पानी को लेकर के किस प्रकार से हम पानी कटोरी वाटरमंड से लेकर के आए किस प्रकार से हमने सड़कों का निर्माण कराया किस प्रकार से एजुकेशन के अंदर चाहे वो ITI है चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है चाहे वो गवर्नमेंट स्किल सेंटर है और उसके अलावा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है निफ्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है संस्कृत कॉलेज है ये हमने प्रैक्टिकल दिए हैं और मुझे बड़ा अफसोस है कि भाई भाई चुनाव कहते हैं कि ये ईद भी पंचकूला में पिछले 10 साल में नहीं है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो जरूर जाकर के 3-4 जहां पर संस्थान है उनको जरूर देखते हैं हंड्रेड का हॉस्पिटल आज 500 का हॉस्पिटल है प्रत्यक्ष है मैं तो दूर एक सहायता जी का हो रहा है कि सहायता का जो है टिप्पणी की गई है और कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी का चार पाक को वो करने के लिए मुद्दा उठाया था देखिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दलितों का अत्याचार किया दलितों के साथ उनका उत्पीड़न किया पहली बार नहीं है इससे पहले अशोक तंवर जी का क्या हाल किया था आप जानते हैं कुमारी शैलजा जी के बारे में टिप्पणी अभद्र टिप्पणी करना पहले कई बार वो कर चुके हैं लेकिन मैं दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है राहुल गांधी विदेशों के अंदर बैठ करके भारत को बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको भारत की जनता भारत के लोग स्वीकार नहीं कर सकते हमारे सिख बंधुओं के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भारत देश के अंदर सिख लोग सिख भाई पगड़ी नहीं डाल सकते कड़ा नहीं डाल सकते ये क्या आप सब लोग यहां जानते हैं कि क्या हमारे देश के अंदर कहीं पर भी सिख भाइयों के ऊपर बड़ी पगड़ी डालने पर प्रतिबंध है या कड़ा डालने की प्रतिबंध है इस प्रकार से देश को बदनाम करना दूसरी धरती के ऊपर जाकर विदेशी धरती के ऊपर जाकर और दूसरा अभी जो आप बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे दलितों और उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि अगर मौका लिखा तो लगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे तो वो तो आरक्षण खत्म करने की बात थी लोकसभा चुनाव के अंदर जिस संविधान की पुस्तिका को लेकर छात्री के साथ लगा करके वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो ये संविधान बदल देगी और संविधान भी जो बदलेगी वो उसमें आरक्षण खत्म कर देगी आरक्षण खत्म हो गया तो गरीब लोगों को बच्चों को नौकरी नहीं मिली इस प्रकार का दुष्प्रचार कम्युनिस्ट पार्टी ने किया झूठ का सहारा लेकर के किया लेकिन आज देश की और प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि किस प्रकार से जो हमारे दलित भाई हैं उनका शोषण अभी जो हरियाणा प्रदेश के लोग दुहाना कांड को भूले नहीं है वो वृक्ष को कांड को भूले नहीं है जब गरीब दलित भाइयों को अपना निवास अपना घर बार छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके वहां से पलायन करना पूरा वाहन भेजे गए थे
जनता से सुझाव लिए गए, तो उसकी क्या स्थिति है और मैनिफेस्टो आने में देरी क्यों हो रही है? देखिए, मैनिफेस्टो बूथ स्तर के ऊपर एक प्रदेश स्तर के ऊपर मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, सभी कार्यकर्ताओं से भी, आम जनता से भी, व्यापारियों से, इंडस्ट्री से, सभी से